हवे में उठाकर जोरदार तालियां बजाएंगे। बजाते रहिए जब तक नहीं आते। आप सभी के बीच में सुरेश अल्मीरा जी लेकर के आ रहे हैं फाइनली। तो शुरू हो जाइए। हो गया? हाँ खींचो। फोटो खींच ले फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अल्बेला और नीचे आलिया भट्ट। ये कैमरे वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। भगवान ने चाय आएगी, चाय लाओ। अरे मैं 8 बजे से बाट नहाड़ रहा हूँ, चाय की अभी तक नहीं पिलाई तुमने। चाय आराम से भी इनको सबको पिलाओ और बच जाए तो इनको भी पिलाओ। ये भी तब से ही बैठे हैं जब से हम बैठे हैं। अच्छा अरे मजाक कर रहा हूँ यार। चाय वालों को मैं कुछ नहीं बोलता साहब, चाय वालों को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि पता नहीं कब देश का प्रधानमंत्री बन जाए। ये जो इधर लोग खड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। भाई साहब महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है, हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। अब आप थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ और थोड़ो हंसो, ऐसे हंसो जैसे भांग खा के आए हो। और उज्जैन में तो बहुत सारे खाके ही आए होंगे। शंकर भगवान की धरती हमारे भाई साहब कुंवर जावेद जी बैठे हैं, वो आपको बड़ी गजलें सुनाएंगे। संदीप शर्मा जी भी आश्चर्य के बहुत अच्छे कवि हैं। ये दोनों हमारे बड़े भाई हैं, एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाओ रे तुम। ये अभी आपको इनका जादू दिखाएंगे। माइक बहुत भारी है यार तुम्हारा, उठा ही नहीं। और थोड़ा ये पीछे वाले तो ऐसे बैठे हो जैसे बैठने ही आए हो और मेरा तीसरा चल रहा हो। थोड़ा आप मुंड में आओ और बढ़िया चाय पिलाओ, ये कीबोर्ड वालों को भी पिलाओ। हाँ और तुम क्या कह रही थी, क्या कह रही थी कि मेरे पहले ये माइक संभाल रही थी फिर इन हाँ स्टेज संभाल रही थी, तो स्टेज क्या बिना माइक के संभाल लेगी क्या? माइक से ही तो संभाल रही थी स्टेज, और मैं फिर इनके बाद तुम संभाल रही थी स्टेज और माइक। और भगवान कसम उज्जैन वालों अगर ये कह दे तो मैं इन दोनों को अकेला संभाल लूं। और वो बाऊजी, बाऊजी पानी आएगा आपके कल। और ये थोड़े दिन ये महेंद्र यादव के साथ आप रहे ना तो आपकी नलकी टोटी में से बियर निकलेगी। आदमी दारू के पीछे इतना बावड़ा हो रहा है, दारू और इनके पानी नहीं आता। आएगा आपके पानी, और आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उसमें अपन क्या करें। बहुत बढ़िया आप तीनों। आ काय हो गयो? ओए ओ बल्ली पे से नीचे बैठ। अरे बाबा रामदेव है क्या, कूदेगा उस पे से नीचे उतर। उनको दिख नहीं रहा ना यार। हाँ नहीं बैठे तो मत बैठ। और अब उनमें से कोई पीछे लियोनेल मेसी निकला तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आप बहुत बढ़िया सब बाउंसर हो, मेरे को बताना है बॉडी कैसे बनती है, क्योंकि बनेगी तो फिर ये 2-3 कोई पकड़ में आए, नहीं तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। देखो मैं आपके बीच में ज्यादा माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा, बहुत देर से बेवकूफ हो रहे हो आप। और ये नहीं,
ये नहीं उतरेगा, उतर जा। बहुत बढ़िया, अब इसके लिए एक बार ताली बजाओ तुम। अरे उनको बजानी थी, तुम्हारे क्या फायदा हुआ, उनको दिखा, तुम्हारे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपके बीच में थोड़ा, आपके बीच में मैं ज्यादा लंबी लंबी कविताएं नहीं सुनाऊंगा। लंबी कविताएं सुनाने से बहुत सारे संकट हो जाते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों दिल्ली में लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का दुष्परिणाम ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा मुख्य अतिथि मर गया। पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। जज बोला कि तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे अतिथि को मार दिया, इसलिए अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब, वो मुख्य अतिथि तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। भगवान कसम उज्जैन वालों, 5 साल से मेरी बहुत सारी कविताएं आधी अधूरी चल रही है। अगर तुमने ढंग से तालियां नहीं बजाई तो मैं सारी यहीं पूरी कर दूंगा। बैठो ना छोरे, तेरे से डिफ तो लगी नहीं, अब इधर उधर दादागिरी कर रहे हो। बैठ जा, सिट डाउन प्लीज। नहीं बैठे जा फिर, फिर चढ़ गया क्या यार? तू बड़ा आदमी है यार, तेरा समझ में ही नहीं आता। ये अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। देखो मैं आपको बताऊं साहब, जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, क्या हुआ है, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये एकता कपूर भी साहब क्या गजब गजब के सीरियल बनाती है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। जब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, धरना हुआ है। जब नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, डायरेक्ट बाप पैदा हो लिया। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा, भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली, तू भी भगले आशाराम बापू पैदा हो लिए। देखो मैं आपको सही बात बता रहा हूं, हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो, और आशाराम बापू और नारायण दत्त तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। मुझे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया, इन दोनों डोकरों ने ऐसा कौन सा रिचार्ज करवा रखा है जिसमें टॉक टाइम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? भगवान कसम भुवन मोहिनी, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे आशाराम बापू के बगल में राधे मां बैठी हो। और ये जावेद साहब का भरोसा मत करना, ये राधे मां की गोद में बैठने के विराग में ही रहते हैं। देखो अभी वो मेरे पहले बाऊजी, बहुत बढ़िया आपने सुनाया, मैं आपका फैन हो गया। बस मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मुंह धोते होंगे तो साबुन कहां तक लगाते होंगे? यार तुम तो बहुत समझदार आदमी हो, बाबूजी की लुगाई को तो सिलेंडर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, डायरेक्ट पराठा खोपड़ी पे चिपकाओ। यार नहीं, वो एक एक बात याद आ रही है मेरे को, कहते रहते हैं ये अपना नहीं है,
और ये किसका है आज दिन तक मेरे समझ में भी नहीं आया। अनाथ भाई साहब, आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ घुमाती है, एक माँ और दूसरी बीवी। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। अब बाबूजी को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आधे उज्जैन वालियों ने घुमा रखा है। बाबूजी क्या गजब का कैरेक्टर है आपका। भाई साहब हंसो मत, तो आपका भी ठीक नहीं लग रहा। नहीं, 10-20 का कबाड़ा तो तुमने भी कर ही रखा है, इतने शरीफ थोड़ी हो। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब ये लड़कियां एंकरिंग कर रही थी, ये सैंडल इतने ऊंचे पहन रखे हैं तुमने, हाइट तो तुम्हारी कमी है, बेवकूफ बना रही हो, मेरी जितनी थोड़ी। ये लड़कियां है ना, इनके चक्कर में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। आप देखो इन लड़कियों को सब जगह नौकरी मिल जाती है। इनके चक्कर में इसलिए नहीं, वो चार छोरों से दंड बैठक लगवा रही है, तू जीतेगा, जो जीतेगा जिसके साथ फोटो खिंचवाऊंगी। मेरे साथ खिंचाओ फोटो, तुम्हारे जजो ही खिंचाओ। सेल्फी प्लीज, पब्लिक भी आनी चाहिए। मेरा भी सरनेम शर्मा ही है, बाबूजी का भी शर्मा ही। शर्मा शर्मा भाई बहन नहीं, भाई तो तुम्हारा वो बैठे, बाबूजी बैठे, वो आगे वो देखो। अब ठीक है, अरे तो बाद में खींच लेंगे, अब इनका क्यों टाइम खराब कर रही हो तुम। नहीं बहन आपकी मेरी दोस्ती। शर्मा शर्मा काई के भाई बहन, फिर ये क्या मियाँ जी करना है ब्याह। कोई भाई बहन नहीं अपन, सवाल ही नहीं उठ रहा भाई साहब। भाई बहन तो अपने कैरेक्टर को ही शोभा नहीं देता। बहन तुम शक्ति कपूर की और इन सब की, बस मेरे को छोड़ के। अब कोई बात नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, छोड़ो। हाँ तो मैं तो बेशरम हुई सही, मैं काई की शर्म करूं। एक लड़कियां इतना झूठ बोलती है, लड़कियों आप देखो इनको सब जगह नौकरी मिल जाती है, डॉक्टर भी बनेगी ये, मुख्यमंत्री भी बनेगी, फलाना भी बनेगी, डिगड़ा भी बनेगी, सब जगह नौकरी मिलगी। एक जगह लड़कियों को कभी भी नौकरी नहीं मिलती, पता है कौन सी है? वो जगह फायर ब्रिगेड, क्योंकि लड़कियों का काम आग लगाना होता है, आग बुझाना नहीं होता। अब लोग टेंशन में बोले ये देश में तकलीफ हो रही है, ये देश में तकलीफ हो रही है, ये देश में तकलीफ हो रही है, फलाना तकलीफ हो। इस देश में कोई तकलीफ नहीं है यार, वो पठानकोट पे हमला हो गया, अब हो गया तो इसलिए हो गया, वो आ गए तो हो गया।